फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत पर पीएम मोदी ने साध ली चुप्पी, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी की सोच को बताया वो छी, क्या आप आतंकवाद के समर्थक हैं। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत ने दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। हर कोई उनकी मौत पर दुख जाहिर कर रहा है, परिवार वालों को संवेदनाएं दे रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दानिश की मौत को दुखद बताते हुए उनकी मौत पर दुख जाहिर किया। न सिर्फ भारत में यह बल्कि दुनिया भर के सोशल मीडिया पर दानिश की मौत ट्रेंड करता रहा, लेकिन दानिश जिस देश से आता है उस देश के प्रधानमंत्री ने उसकी मौत पर एक शब्द भी नहीं कहा। पीएम मोदी शिखर धवन के उंगली में चोट लगने पर ट्वीट कर दुख जाहिर करते हैं। पत्रकार रोहित सरदाना की मौत पर ट्वीट कर परिवार वालों को संवेदनाएं देने वाले पीएम मोदी की चुप्पी लोगों को खलने लगी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पीएम की सोच को ओछी बता दिया। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, हमारे देश का एक जाबाज फोटो जर्नलिस्ट आतंकवाद का शिकार हो गया, पूरी दुनिया ने उसकी शहादत पर श्रद्धांजलि दी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सोच कितनी ओछी है और संवेदनहीन है। आतंकवाद से लड़ने वाले पत्रकार के लिए अफसोस का एक शब्द भी नहीं लिख पाए, क्या आतंकवाद के समर्थक है मोदी जी। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से पूछा, मोदी जी आप तालिबान आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से डरते क्यों हैं। इसके बाद क्या था, लोगों ने भी आतंकवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा दिया। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, आतंकवादी तो मोदी जी के दोस्त हैं, सब चुनाव में हेल्प करने आ जाते हैं, फिर भी मोदी जी उनके नाम पर वोट मांगते हैं। पैटर्न देखो, पार्लियामेंट अटैक बीजेपी इन पावर, पुलवामा अटैक बीजेपी इन पावर, 2001 से ये शुरू हुआ था, आतंकवाद और बीजेपी दोनों फल फूल रहे हैं। संदीप सिंह जी लिखते हैं कि एक अवार्ड विनिंग पत्रकार शहीद हो गया, अफगान राष्ट्रपति ने इस पर शोक व्यक्त किया, लेकिन शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगने पर ट्वीट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री इस पर एक ट्वीट नहीं किया। वाकई मोदी जी आपका पद जरूर बड़ा है, लेकिन सोच उतनी ही छोटी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस चुप्पी पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।